नाम तो सुना ही होगा। जो पिगमेंटेशन है ना वो थोड़ी सी फीकी फीकी सी लगी मुझे, मेंशन कर रखा था दिस इज सनी लियोनी ब्रांड, तो आई एम लाइक व्हाट, क्या मैं इसे अफोर्ड भी कर सकती हूँ? कि मिनिमम अगर 3 से 4 पंप आप यूज करते हो तो 30 से 40 रुपए एक टाइम पे आपके आराम से जा रहे हैं। मैं इसे रेट करूँ कैटरीना कैफ के ब्रांड के ब्यूटी को तो आई विल रेट दिस। आज हम रिव्यू करेंगे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्ट्रेस के ब्रांड को। अब जितनी फेमस वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में है ना उतना ही फेमस उनके ये ब्रांड है। और आपको पता है कुछ एक्ट्रेस का प्रोडक्ट्स इतना ज्यादा फेमस है कि मुझे भी डाउट होने लगा कि भाई उसमें अनोखा है क्या, इसलिए मैंने आज सारे ऑर्डर कर लिए एंड सारे अभी मेरे पास है। मैं बारी बारी करके आप लोगों को दिखाती हूँ। एक सेकंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स मेकअप और स्किन केयर से रिलेटेड है। सारे प्रोडक्ट्स देखकर शॉक तो हो ही जाओगे और साथ ही उसका प्राइस सुनोगे ना तो चक्कर आने लगेंगे जैसे मुझे आने लगे थे, पर फिर भी मैंने सीने पे पत्थर रख के ये सारे प्रोडक्ट्स मंगाए। आखिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बकबक करती हूँ मैं, तो मैं स्टार्ट करूंगी अपने फेवरेट ब्रांड से जो मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव लगा यूज करने के बाद। बट हाँ, इस वीडियो को एंड करूंगी उस ब्रांड के साथ, उस एक्ट्रेस के ब्रांड के साथ जो कि बॉलीवुड में सबसे टॉप पे चल रही थी एंड उनका मेकअप ब्रांड जो था, ओ माय गॉड, आप जानोगे ना उसके बारे में, शॉक्ड हो जाओगे, शॉक्ड। मुझे ना चक्कर आने लगे तो मुझे इतने डांट पड़े ना घर में उसके लिए, वो सब के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कृति सैनन के ब्रांड हाइफन के बारे में। तो जब मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्च कर रही थी तो मैं सोच रही थी भाई क्या मंगाऊं, मुझे ना सबसे अफोर्डेबल उनका ये किट दिखा जिसमें हमें मिले 3 प्रोडक्ट्स, लाइक एक सीरम मिला है, एक सनस्क्रीन मिला है एंड एक लिप बाम मिला है, एंड ये मुझे 1200 समथिंग के पड़े थे। मैं प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एक नॉर्मल सनस्क्रीन और एक सीरम 600 का आता है और फिर ये लिप बाम भी मिल रहा है, तो मुझे लगा यार 1200 समथिंग में ये बहुत सही है। एंड ये कैसा काम करता है, कैसा इसका टेक्सचर है, वो सब तो मैं बात करूंगी। सबसे पहले पैकेजिंग का देखो यार, मतलब प्रोडक्ट सस्ते हो और पैकेजिंग इतना अच्छा हो तो वो विश्वास नहीं होता ना, एकदम लग्जूरियस पैकेजिंग है। और जब मैंने प्रोडक्ट ऐसे टच करा, जब मैंने सीरम का बॉटल पकड़ा, ओ माय गॉड, पैकेजिंग देखकर ना मैं शॉक्ड हो गई। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग थी, साथ ही पैकेज का जो कलर सेलेक्ट करा गया ना एकदम पॉप अप ग्रीन, लाइक दूर में भी पूरे बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बीच में भी पड़े रहेंगे ना तो आप बस जान जाओगे अच्छा ये कृति सैनन का हाइफन है। चलो प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हाइफन गोल्डन आर ग्लो सीरम है, मुझे लगा बहुत स्टिकी सा होगा बट बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है एंड क्विकली एब्जॉर्ब हो गया, तो मुझे ये सीरम काफी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने यूज करा ये हाइफन का सनस्क्रीन, ऑल आई नीड सनस्क्रीन SPF 54 PA+ के साथ ही आता है जिसमें काकादू प्लम नायासिनेमाइड कोजिक एसिड और सेरेमाइड। बट हाँ, इसका जो टेक्सचर है ना वो ड्राई स्किन को थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है क्योंकि ये मैट फिनिश देता है, आपको ये कोई ग्लोई डूई वाला फिनिश नहीं देने वाला है। एंड लास्टली जो मुझे रिसीव हुआ था इस पैकेट में वो है हाइफन ऑल आई नीड लिप स्क्रीन SPF 30 के साथ आता है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो ये ऑलमोस्ट ना 3 to 4 आवर्स आपके लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है। पैकेजिंग और प्राइस रेंज से मुझे ये ब्रांड इतना अच्छा लगा इसलिए मैंने अलग से हाइफन की मॉइस्चराइजिंग क्रीमी क्लींजर भी मंगा लिया। अगेन इसमें सेरेमाइड्स है और ये हर एक स्किन टाइप को सूट करे, एकदम नॉर्मल आपकी स्किन रहते हैं ये बिल्कुल आपके पीएच लेवल को ट्रिगर नहीं करते। मैंने पाम पे लिया था इसको अप्लाई करने के लिए, जब मैंने मिल्की वाला टेक्सचर देखा लाइक ओ माय गॉड, इसकी पैकेजिंग बॉटल वाली ये भी मुझे काफी अच्छी लगी। तो अगर मैं ऑल ओवर रेट करूँ कृति सैनन के इस स्किन केयर ब्रांड को तो मैं रेट करूंगी 8 out of 10। तो मैंने सोचा था कि ये बात आप लोगों को नहीं बताऊंगी पर शायद अब बताना पड़ेगा कि ये वीडियो मैं दोबारा फिल्म कर रही हूँ क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी थी एंड मैंने बहुत मेहनत करके वो वीडियो शूट करा था, तो लाइक उसको डिलीट करना पड़ा, हटाना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, जो भी बोलो, एंड दोबारा मैं बैठी हूँ फिल्म करने के लिए। अब ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसको मैं लगाकर दिखाने नहीं वाली हूँ क्योंकि ये है नेल्स ब्रांड सो इजी करके। आप लोग गेस करो ये किसका ब्रांड है, मैं बताती हूँ किसका ब्रांड है, एक मिनट। हाँ, तो ये ना पैकेज मैंने खोल लिया था उस वीडियो में एंड उस वीडियो में नेल्स लगा भी लिए थे तो मुझे लगा वही क्लिप ऐड कर दूंगी क्योंकि अभी दोबारा लगाने का मूड नहीं है, मैंने बहुत ही प्यारा सा नेल पेंट कर रखा है इसलिए। तो जो ये आप नेल्स देख रहे हो वो है सो इजी ब्रांड से और इनकी ओनर है सोनाक्षी सिन्हा, नाम तो सुना ही होगा। जो इनकी ब्रांड है सो इजी करके, इसमें सिर्फ नेल्स के आपको बहुत ही अलग अलग वेरियंट मिल जाएंगे बट ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है भाई। आपको क्या लगता है ये नेल्स मैंने कितने में लिए होंगे, कितने में बताओ, 200, 300, 400, 500, 600, 700? नहीं, मैंने ये नेल्स पूरे 1000 में लिए हैं, मतलब 999 में। और अगर आप लोगों को लग रहा होगा भाई इतने पैसे लगाए तो ये कलर क्यों चूज करा, ये तो तुम्हारे पे जाएगा भी नहीं, आप दूसरे कलर भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट नहीं भाई, इस रेंज में आपको यही ऑप्शन मिलेगा। 2 से 3 ही ऑप्शन थे जो 999 में थे, बाकी का प्राइस 2000-3000 के बीच में था। मतलब यहाँ सीन ऐसा है कि आपको जो दिल से नेल पसंद आ रहे हैं ना उसकी प्राइस हाई है, मेरे औकात से बाहर की थी तो मैंने वो नहीं लिया। मतलब आई एम लाइक कि क्या है भाई ओवर प्राइस, तो
मेरे को लगा कि यार वीडियो बनानी है तो नेल्स तो खरीदनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई मैंने ट्रिपल नेल लगाकर ये नेल्स लिया है। और ये भी एक ही स्टॉक में बचा हुआ था तो मैंने फटाक से ऑर्डर कर लिया। इससे एक डार्क शेड था वो भी एक बचा हुआ था, बट ऑर्डर करते करते वो चला गया तो मुझे यही करना पड़ा। खैर छोड़ो वो सब, छोड़ते हैं और हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो इसकी क्वालिटी मुझे 10/10 लगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मुझे नेल्स लगी। भाई पैसे भी तो ले रहे हैं। दो आपको ऐसे यू नो क्यूटिकल पुशर्स मिल जाते हैं और वो वाइप्स करने वाले जो आते हैं ना सारे नेल्स में, वो चीज नहीं है। और नेल्स चिपकाने के लिए वो जो स्टिक ऑन आते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने ना सारा निकाल दिया है तो गुम से हो गए। तो ये आपको नेल्स चिपकाने के लिए, स्टिक करने के लिए, ये आपको 3 मिल जाएंगे। मैंने तो एक खत्म कर दिया और 2 बचे हुए और एक पता नहीं गुम कर दिया, एक बचे हुए। आपको आई थिंक हाँ 10 नेल्स ऐसे मिल जाएंगे स्टिक किए हुए और बाकी के नेल्स आपको ऐसे छोटे से बॉक्स में मिल जाएंगे। और आई नो आप लोगों के सवाल होंगे कि ये टिकेंगे कितना दिन, रहेंगे कितना दिन, तो पानी वानी का काम ही करोगे ना तो 3 से 4 दिन या फिर 1 वीक भी रह जाएगा अगर आप बहुत नाजुक परी के जैसा काम करते हो तो। पर मैं तो लाइक कुछ भी उठाना होता है मुझसे नहीं बनता भाई, मैं नेल्स लगाकर कोई काम नहीं कर सकती। खैर सोनाक्षी सिन्हा के ब्रांड सो इजी को मैं ऑल ओवर रेट करूंगी 6/10। नेक्स्ट जो ब्रांड के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जितना ब्रांड पॉपुलर है उतना ही ज्यादा पॉपुलर इनकी ओनर है। अगर दिमाग में कोई नाम चल रहा है तो कमेंट करो ना। ओके तो मैं बात कर रही थी के ब्यूटी के बारे में। तो मेरा एक ना सपना सा था कि कब मैं के ब्यूटी का प्रोडक्ट यूज करूंगी, कभी ना कभी कोई ना कोई रीजन से मैं नहीं ले पाती थी ये प्रोडक्ट। कभी मुझे लगता था प्राइस ज्यादा लग रहा है, कभी मुझे जो सेट चाहिए वो नहीं मिल रहे होते, कभी मैक्सिमम प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। ये वीडियो बनाने का आइडिया आया दिमाग में, तब मैंने सोचा कि भाई मौका भी है दस्तूर भी है, चलो के ब्यूटी के प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। तो इनकी जो ओनर है वो है कैटरीना कैफ, ऑल यू गाइस नो दैट। सच बताऊं स्टार्टिंग से मेरा मन था कि के ब्यूटी का ब्लश ट्राई करूं, क्रीम ब्लश बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे उनके। जैसे ही मैंने मंगवाया ना मेरा दिल टूट गया भाई, इतने पैसे लगे हैं, 850 मैंने पे करा है, 849 मैं प्राइस ना मेंशन कर दूंगी अगेन। जैसे मैंने पैकेज खोला अरे इतना छोटू सा 850 रुपए मैंने दिए, थोड़ा सा बड़ा दे देता भाई। जो सेट भी चाहिए था वो भी आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने दूसरा सेट सोचा कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो इसकी जो पिगमेंटेशन है ना वो थोड़ी सी फीकी फीकी सी लगी मुझे, चिक्स पे 3 से 4 घंटे आराम से रहेगा, उससे ज्यादा भी नहीं टिकता है, मैंने अप्लाई करके देखा हुआ है, मैंने 5-6 वाली से लगा ली। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि ये ना आपको कोई ऐसा ड्यूइनेस ग्लोई वाला फिनिश नहीं देगा अगर आप वैसा ब्लश खोज रहे हो तो, ना तो ये आपको मैट फिनिश देगा और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ओके उसके बाद मैंने एक और प्रोडक्ट ट्राई करा, मतलब मौका पे मैंने चौका मारा है, तो ये है आई शैडो स्टिक, मैंने सही बोला ना? हाँ मैं इतना सोच के क्यों बोल रही थी, आई डोंट नो यार, बार बार लाइट्स आ रही है लाइट्स जा रही है एंड आपका आपको ना एसी का आवाज सुनाई दे रहा होगा घर 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 घर, पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ओके तो ये जो आई शैडो स्टिक है ना वो बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जिन्हें कम आई मेकअप पसंद है, लाइक हल्का सा सिमर पसंद है, जो अभी मैंने आई मेकअप करा है ना इसका यूज करके नहीं करा है। और ये पिगमेंटेड भी है पर उतना भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा स्मूथली ग्लाइड हो रहा है। मैंने बहुत सुना था कि बहुत ही अच्छे होते हैं के ब्यूटी के प्रोडक्ट, अच्छे है, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसके प्राइस भी अच्छे हैं, ये भी दिमाग में रखो ना। पर अगर मैं इसे रेट करूं कैटरीना कैफ के ब्रांड के ब्यूटी को तो आई विल रेट दिस 7.5 और 7/10। नेक्स्ट हम देखेंगे सनी लियोनी के ब्रांड को जो है स्टार स्ट्रक। ये मुझे ना कोलैब के लिए आया था जब मेरे आई थिंक 100 के सब्सक्राइबर हुए थे, तो ये बार्टर कोलैब था, लाइक पैसे वैसे नहीं दे रहे थे, सिर्फ उन्होंने बोला प्रोडक्ट भेजते हैं। और जब मुझे नहीं पता था कि ये सनी लियोनी का ब्रांड है, उन्होंने मेंशन कर रखा था दिस इज सनी लियोनी ब्रांड, तो आई एम लाइक व्हाट, तो भेज दो मैं वीडियो बना दूंगी, 2 बोलोगे 4 बोलोगे मैं बना दूंगी। तो वैसा था उस टाइम पे और जैसे मतलब मुझे मिले ना ये समथिंग 1200-1300 या फिर 1800, मुझे प्राइस याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो इसमें मुझे ना कॉम्बो मिला था, एक लिपस्टिक थी बुलेट लिपस्टिक, एक ग्लॉस था और एक लिप लाइनर था। और इसमें जो शेड है मुझे वो मिला था सुगर प्लम 02, मुझे काफी अच्छी लगी, फर्स्ट इंप्रेशन वॉज लाइक ये बहुत ही ज्यादा फीका फीका है, क्योंकि उस टाइम ना मुझे सिर्फ डार्क लिपस्टिक लगाना पसंद थी, उस टाइम मैं इस टाइप की लिपस्टिक लगाती ही नहीं थी। अब मुझे इस टाइप के सेट बहुत अच्छे लगते हैं, डार्क वाले उतने अच्छे नहीं लगते, अब ना मुझे ये लिप सेट काफी अच्छे लगते हैं। एंड अगर इस बुलेट लिपस्टिक की बात करूं तो इसका टेक्सचर काफी अच्छा है, काफी क्रीमी है एंड बहुत ही अच्छे से आपके लिप्स पे ग्लाइड होता है। पैकेजिंग की बात करूं तो बहुत ही अच्छा क्लासिक स्टडी वो जो बोले ब्लैक पैकेजिंग में है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड लिप ग्लॉस भी काफी अच्छी है, दिस इज अ टिंटेड लिप ग्लॉस, तो जैसा आपको यू नो लिप सेट है ना वैसे ही आपको लिप ग्लॉस मिलेगा एंड इट्स रियली नाइस, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा। खास करके जब ये लिपस्टिक लगाने के बाद मैं ये लिप ग्लॉस लगाती हूँ ना, ओ माय गॉड इट्स टू गुड। एंड सबसे बेकार जो इसका था वो है लिप लाइनर, मतलब ये पिगमेंटेड ही नहीं है भाई, सेट काफी अच्छा है इसी यू नो इसी लिपस्टिक का सेट है, तो आप इसी को लगाकर लिपस्टिक लगा सकते हो, बट ये ना मेरे लिप्स पे विजिबल ही नहीं होते। देखो हाथ में मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालकर कर रही हूँ तो थोड़े से विजिबल हो रहे हैं, बट मेरे लिप्स पे ये विजिबल ही नहीं होते। बाय चांस अगर आप ले भी रहे हो स्टार स्टार की लिपस्टिक तो आप ना लिप ग्लॉस के साथ लेना, वो काफी अच्छा कॉम्बो मुझे लगा।
अरे यार मैं भूल कैसे जाती हूँ, मुझे इसे रेट भी करना है, तो ऑल ओवर मैं इसे रेट करूंगी 7 out of 10। नेक्स्ट जो ब्रांड है मेरे पास वो भी काफी फेमस है, वो है लव चाइल्ड बाय मसाबा। तो मुझे ना इनके ब्लश ट्राई करने थे, लाइक के ब्यूटी का ब्लश ट्राई करने का ऐसा क्रेज चढ़ा हुआ था ना मेरे सर पे, वैसे ही इनके ब्लश पे, पर मैंने लिपस्टिक चूज करा। तो दिस इज लव चाइल्ड बाय मसाबा, अगर मैंने नहीं बताया बता दिया क्या, मुझे 2 सेकंड पहले वाली बात नहीं याद है, सोचो। एंड जैसे मैंने सर्च करा ब्लश को लेकर, तो प्राइस बहुत लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि जाकर पहले रिव्यू देख लेती हूँ, उसके बाद ले लेती हूँ। ओ माय गॉड, थैंक गॉड, मतलब मैं भगवान जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैंने प्रोडक्ट्स लेने से पहले रिव्यू देख लिए। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखा, लाइक ब्लश का रिव्यू देखा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा ड्राई फील करता। आई एम लाइक, मेरे ऑलरेडी ड्राई स्किन है, और अगर ड्राई वाली ब्लश लगा ली मेरे से नहीं होगा भाई, मैं इतने पैसे खर्च करके ऐसे ड्राई वाले ब्लश जो ब्लेंड वगैरह होता ही ना हो, तो मैं वो नहीं ले सकती। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसे में लाइक ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसे नहीं खर्च करने। हाँ, मैं फ्यूचर में ट्राई करना चाहती हूँ, सेफ गेम खेला है यहाँ पर, और मैं ली हूँ बुलेट लिपस्टिक। इसका पैकेजिंग, ओ माय गॉड, मतलब इतने कलरफुल प्यारे प्यारे पैकेजिंग था ना, मेरा तो पैकेजिंग देखकर मन कर रहा था कि सारे लिपस्टिक ले लूँ, पर ये जो सेट मैंने सिलेक्ट करा है ना, ये थोड़े से स्क्रीन पे लाइट दिखा रहे थे, जैसे मुझे रिसीव हुआ आई वाज लाइक, है इतना डार्क सेट मैंने कैसे चूज कर लिया। फिर मैंने ध्यान दिया यार मेरे कलेक्शन में ऐसा कोई डार्क सेट है नहीं, तो मैं रख लेती हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि मुझे डार्क सेट लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, अब मेन पॉइंट के बारे में बात, ये ना आपके लिप्स को ड्राई नहीं कर रहा था, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग था, बहुत ही थोड़ा सा, ये भी ट्रांसफर हो रही थी, हल्का हल्का ट्रांसफर हो रही थी, पर ठीक है, मुझे सही लगा। मतलब ये अगर ब्लश वगैरह ले लेती एंड बहुत ही ज्यादा ड्राई वगैरह होता तो वो चीज मुझे सही नहीं लगती। मैंने ना इनके ब्रांड को तब जाना था जब वो वाला गाना वायरल नहीं हुई थी, काला सब काला, जिसमें करीना कपूर थी। एंड आई एम रियली मैनिफेस्टिंग दिस कि मैं कभी इनके इवेंट पर जाऊँ, मुझे इनवाइट करें, मुझे जा रहा है, मतलब उनके इवेंट वगैरह भी ना ऐसे जैसे इनके पैकेजिंग कलरफुल प्यारे प्यारे से, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे कोई इवेंट के लिए बुलाता ही नहीं है भाई। खैर, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। खैर, लास्ट जो प्रोडक्ट है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा फेस एक्सप्रेशन देख रहे हो, मुझे अभी से ही गुस्सा आ रहा है। ओके, तो दिस इज द 82E फ्रॉम दीपिका पादुकोण। ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का ब्रांड है, ये है स्किन केयर ब्रांड। एंड ओ माय गॉड, मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, फिर जब मैंने साइट पे गया एंड देखी कि इसमें कोई रेंज ही अवेलेबल नहीं है, लाइक आपको पता है क्या मिलेगा, स्किन केयर के नाम पे सनस्क्रीन मिलेंगे शायद, और एक दो वेरिएंट में आपको सीरम मिल जाएंगे, और उसको फेशियल ऑयल बोलते जो भी हो, मॉइस्चराइजर, सीरम बस, और फेस वॉश, यही 3-4 चीज मुझे दिखी, मतलब स्किन केयर के नाम पे बस इतना ही चीज था। आई थिंक ना तो लिप बाम था, और टूनर उनर जो भी होता है यार, वो सारी चीजें नहीं थी स्किन केयर में सच। एंड जैसे मैंने प्राइस देखा, लाइक व्हाट, क्या मैं इसे अफोर्ड भी कर सकती हूँ, पर लाइक दिल पे पत्थर रखा, अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती मैं इसे, इसके बाद मैं नहीं लेने वाली हूँ, बहुत गालियां खाई है मैं इसको लेने के बाद यार, बहुत, मतलब बता नहीं सकती। खैर, मैं तो बताना ही भूल गई, मैंने सिलेक्ट करा था ये क्लिंजर क्योंकि मुझे लगा कि सनस्क्रीन वगैरह अगर ऑयली, मैंने रिव्यू देखा है थोड़ा बहुत, तो अगर ऑयली वगैरह हो गया, मतलब कुछ ज्यादा ही चिपचिप हो गया, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ ऑयली है, सिर्फ तेल ही तेल लगता है लगाने के बाद, तो मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाह रही थी वो सारे प्रोडक्ट्स में, तो फिर मेरे को लगा सेफ थोड़ा सा खेलते हैं, क्लिंजर ही लेते हैं। क्लिंजर भी इतना महंगा, मतलब 1200 का क्लिंजर ही है, 1200 का बॉटल है, सीसा का बॉटल बनाने की क्या जरूरत है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। खैर छोड़ो, और इस पे लिखा हुआ है 100 ml प्राइस 1200 पर ml प्राइस 12 rupees। अभी वो 100 बारी तो ये चलेगा नहीं, 30-40 बार चलेगा, 30-40 यूज में ये खत्म हो जानी है, एंड 12 rupees करके 1 ml है, तो लाइक आपको 3-4 पंप लगेंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मिनिमम अगर 3-4 पंप आप यूज करते हो तो 30-40 rupees एक टाइम पे आपके आराम से जा रहे हैं। अगर आपको एक बार फेस वॉश करना है तो 30-40 rupees आप सिर्फ फेस वॉश में उड़ाओ, उसके बाद बाकी का स्किन केयर अलग ही है। दीपिका पादुकोण ने जब इसका प्राइस रेंज सिलेक्ट करा था, लाइक उन्हें क्या लगा था कि हम सारे लोग यहाँ पर दीपिका पादुकोण के जैसा पैसा कमाते हैं? नहीं ना, मतलब उनको आम जनता के बारे में सोच के ना प्राइसिंग रखना चाहिए कि क्या यार 1200 के प्रोडक्ट, ठीक है अमीरी आ गई मुझे इसको यूज करने के बाद। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे मैंने यूज करा भाई, इतना गंदा सा इंप्रेशन था मेरा, फर्स्ट इंप्रेशन वाज लाइक क्या मैंने मंगा लिया है 1200 का, तो इतना गंदी सी स्मेल आई ना, जड़ी बूटी टाइप की स्मेल आई मुझे, कोई सड़ा गला सा फूल नहीं होता, एकदम वैसे ही स्मेल आ रही थी। मुझे फील हुआ वो मैं बता देती हूँ, ना तो मुझे स्किन पे ड्राई फील हुआ, ना तो कुछ ऐसा हाइड्रेटिंग सा फील हुआ, नॉर्मल जैसा मैं सारे प्रोडक्ट्स का, मतलब सब जो 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 फील हुआ मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी स्किन को ना तो ड्राई करेगा और ना तो मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेगा, वो कोई फेस वॉश नहीं करता, मतलब अगर आपका वो कौन सी स्किन कहते हैं वो सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए परफेक्ट है। और एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आप इसका 10 पंप भी ले लेते हो ना, तो थोड़ा सा भी वो झाग फेन जो भी बोलते हो वो नहीं आएगा। है लोटस स्प्लैश कंडीशनिंग क्लींजर विथ लोटस एंड
पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यार, आई कांट रीड। ओके तो मैंने इसे 2-3 बार यूज कर लिया एंड ऑफकोर्स डेट खत्म होने से पहले मैं इसे खत्म कर दूं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लगाने के बाद वो स्मेल के कारण, बट ठीक है मुझे खत्म तो करना पड़ेगा भाई। 1200 लगे मेरे, 1200 मैं जब भी सोचती हूँ 12 बार यही सोच के पागल हो जाती हूँ क्यों मैंने 1200 लगाया, पर ये वीडियो बनाना था ना इसलिए मैंने लगाया आप लोगों के लिए। खैर वीडियो पसंद, ओ रेट तो मैंने करा ही नहीं, अगर मैं रेट करना कैसे भूल सकती हूँ, तो आई विल रेट दिस प्रोडक्ट लाइक क्या रेट करूं मैं, पैकेजिंग काफी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर प्राइस टू मच है भाई। मतलब ऐसे आपको क्लिंजर और भी अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ। मानती हूँ कि इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो लाइक जो नॉर्मल जो फेस वॉश आते हैं उससे थोड़े बहुत अलग है, पर ठीक है मैं इसे रेट करूंगी 5 और 5.5, 6 मतलब 5 और 6 के बीच में, क्योंकि मुझे इसका प्राइस बहुत ज्यादा लगा। आई विल रेट दिस 5 out of 10। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, प्लीज 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 शेयर जरूर करना, क्योंकि मैंने ना बहुत पैसे खर्च कर दिए इस वीडियो को बनाने में। एंड कमेंट में बताना कि आप इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स पहले से ट्राई किए हुए, मतलब मैंने तो कोई नहीं करा था, वो स्टारस्ट्रक भी जो मुझे मिली थी फ्री में तब मैंने करा था। खैर आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों ने कौन सा करा है। एंड नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं, आप चाहते हो कि लाइक और भी बॉलीवुड एक्ट्रेस के ब्रांड है जैसे कपड़ों में ज्वेलरी में तो वो सब ट्राई करूं मैं, तो कमेंट में बताओ। यूट्यूबर्स के ब्रांड में मैं ट्राई कर सकती हूँ तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।